मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ है, वो सदन में आएंगे। मेरा अपना ही कौन सा आधार, एक गरीब आदमी गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी। क्या आप भी आजम खान, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं? क्या जेल से रिहाई के बाद भी आजम समाजवादी पार्टी से खफा है? क्या दोनों नेताओं के बीच की दूरियां अभी भी मिटी नहीं है? ये वो सवाल है जो पिछले कई दिनों से यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आजम खान भी आपके साथ लेकिन चले गए साथ में आपके। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ है, वो सदन में आएंगे। आपकी कुर्सी चर्चा ही है कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए, मैं खुद ही निराधार हूं तो आधार कहां से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है, एक गरीब आदमी गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी। वैसे तो वक्त वक्त पर अखिलेश यादव और खुद आजम खान ऐसी तमाम अटकलों पर विराम लगाते नजर आए हैं, लेकिन इनके बीच मंगलवार को आजम खान के हवाले से किए गए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के एक ट्वीट ने फिर से रामपुर में प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल मंगलवार को अब्दुल्ला आजम ने पिता के हवाले से जो ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि मैं अभी जिंदा हूं तो जिंदा हूं। आजम खान साहब जी, अब्दुल्ला के ट्वीट किए गए फोटो के नीचे हरे रंग के शब्दों में लिखा है जावेद पठान आजमवादी। ये आजमवादी शब्द भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी को भविष्य की राजनीति में रामपुर में सबसे बड़ी चुनौती आजमवादी देने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश के लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती आजमवादी यानी आजम खान से टकराना होगा, क्योंकि रामपुर में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मजबूत स्तंभ आजम खान है। ऐसा क्यों है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल रामपुर के राजनीतिक इतिहास पर अगर गौर फरमाएं तो यहाँ पिछले कई वर्षों से आजम परिवार का दबदबा रहा है। अकेले आजम खान यहाँ से 10 बार विधायक चुने गए हैं, तो एक बार रामपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा का भी सफर तय किया है। तो वहीं अगर आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की बात की जाए तो 2019 में आजम के लोकसभा पहुँचने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा पर हुए उपचुनाव में तंजीन ने जीत दर्ज की। यही नहीं, ये आजम खान का जलवा ही था जो तंजीन फातिमा ने 2014 में राज्यसभा तक का सफर तय किया, जबकि रामपुर जिले में आने वाली स्वार विधानसभा सीट पर भी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने लगातार दो बार यानी 2017 और 2022 में जीत दर्ज की। कुल मिलाकर अगर बात करें तो रामपुर में हुए 14 चुनाव में आजम खान या उनके पारिवारिक सदस्यों ने जीत दर्ज की, जबकि दो बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी, जयप्रदा लोकसभा पहुंची, तो उसके पीछे भी आजम खान की राजनीतिक ताकत और उनका समर्थन ही था। अब ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी से आजमवादी गुट अलग होता है तो इसे अखिलेश यादव के लिए रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले लोकसभा चुनाव और भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाएगा।